Good morning, dear students. My subject is PSP, Power System Planning. And today topic is that reliability evaluation. Evaluation meaning mulyankan. Reliability ka mulyankan karna. First is the reliability evaluation. The power system reliability studies are conducted for two purposes. पावर सिस्टम रिलायबिलिटी स्टडीज दो पर्पज के लिए कंडक्ट करते हैं, दो उद्देश्य के लिए कंडक्ट करते हैं. फर्स्ट पर्पज इज दैट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इवैल्यूएशंस मे बी परफॉर्म्ड टू असिस्ट इन लॉन्ग रेंज सिस्टम प्लानिंग. लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इवैल्यूएशंस लॉन्ग रेंज सिस्टम प्लानिंग में सहायता के लिए परफॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड इज द शॉर्ट टर्म रिलायबिलिटी प्रिडिक्शंस मे बी अंडरटेकन to assist in day-to-day operating decisions including system security. Short-term reliability predictions जो day-to-day operating decisions के लिए undertaken कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं. Short-term reliability predictions may be undertaken to assist in day-to-day operating decisions. यानी day-to-day यदि हमें operating decisions लेने हैं तो उसके लिए हम short-term reliability predictions को undertaken कर सकते हैं. इंक्लूडिंग सिस्टम सिक्योरिटी, जिसमें सिस्टम की सिक्योरिटी भी शामिल होती है. इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम रिलायबिलिटी कैन बी इफेक्टेड बाय यूजिंग आइदर बेटर कंपोनेंट्स और ए सिस्टम डिजाइन. सिस्टम रिलायबिलिटी में जो इम्प्रूवमेंट है वो बाय यूजिंग बेटर आइदर बेटर कंपोनेंट्स यानी अच्छे कंपोनेंट्स के उपयोग के द्वारा और सिस्टम डिजाइन के द्वारा प्रभावित होता है. Improvement in system reliability can be effected by using either better components or system design. System reliability में improvement better components को उपयोग के द्वारा और system design के द्वारा प्रभावित होता है. Improvement in system reliability can be effected by using either better components or system design. System reliability में improvement वेटर कंपोनेंट्स के उपयोग के द्वारा और सिस्टम डिजाइन के उपयोग के द्वारा प्रभावित हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज दैट स्टेप्स इन रिलायबिलिटी स्टडीज. मेन स्टेप्स इन रिलायबिलिटी स्टडीज. नाउ द नेक्स्ट इज द मेन स्टेप्स इन रिलायबिलिटी स्टडीज. द मेन स्टेप्स इन रिलायबिलिटी स्टडीज. इन रिलायबिलिटी स्टडीज तो क्या क्या स्टेप काम में लेते हैं रिलायबिलिटी का स्टडी करने के लिए. रिलायबिलिटी स्टडी में कौन कौन सी स्टेप मुख्य स्टेप हम काम में लेते हैं. फर्स्ट स्टेप इज द डिफाइन द सिस्टम लिस्ट कंपोनेंट. डिफाइन द सिस्टम लिस्ट कंपोनेंट्स. सिस्टम लिस्ट कंपोनेंट्स. डिफाइन द सिस्टम लिस्ट कंपोनेंट्स एंड कलेक्ट द नेसेसरी कंपोनेंट वैल्यू एंड कलेक्ट द नेसेसरी कंपोनेंट फेल्योर डाटा. कंपोनेंट फेल्योर डाटा फ्रॉम फील्ड सर्वेज अवेलेबल. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिलायबिलिटी स्टडी. द मेन स्टेप इन रिलायबिलिटी स्टडीज. The first step in reliability study is that define the system list component. System list components को define करते हैं and collect the necessary component failure data from field survey available. जो हमारे पास field survey available है उसके द्वारा हम जो component failure data आवश्यक necessary component failure data को collect करते हैं. First step is that define the system list component. System list components को define करते हैं and collect the necessary component failure data from field survey available. जो हमारे पास field survey available है उपलब्ध है उससे field survey से
जो हमारे पास उपलब्ध है उससे आवश्यक कंपोनेंट हेलियो डाटा को कलेक्ट करते हैं। नाउ द सेकंड इज दैट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर सिस्टम हेलियो। सेकंड स्टेप इज दैट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर सिस्टम हेलियो। डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर सिस्टम हेलियो सेकेंड स्टेप इज दैट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर सिस्टम फेलियर। यानी सिस्टम फेल हो रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप इज दैट लिस्ट द अजम्पशंस टू बी यूज, लिस्ट द अजम्पशंस टू बी यूज। जो थर्ड स्टेप इज दैट लिस्ट द अजम्पशंस टू बी यूज, जो भी हम अजम्पशन उपयोग में ले रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट द अजम्पशंस टू बी यूज, जो भी हम अजम्पशंस उपयोग में ले रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट डेवलपिंग द सिस्टम मॉडल। फोर्थ पॉइंट इज दैट डेवलपिंग द सिस्टम मॉडल। अब क्या करते हैं, सिस्टम मॉडल डेवलप करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, डेवलपिंग द सिस्टम मॉडल, सिस्टम मॉडल डेवलप करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, सिस्टम का मॉडल डेवलप करते हैं। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज द परफॉर्म failure effect analysis and compute the system reliability indices and compute the system reliability indices. This is the next fifth point. And sixth point is that analyze and evaluate the result. Evaluates the results. This is the last point. Third step क्या होती है, list the assumptions to be used, जो भी हम assumptions उपयोग में ले रहे हैं उसकी list बनाते हैं। Fourth step is that developing the system model, fourth step में system का model हम develop करते हैं। Developing the system model, fourth step में हम क्या करते हैं, system model develop करते हैं, सिस्टम की मॉडलिंग करते हैं। और फिफ्थ स्टेप परफॉर्म फेलियर इफेक्ट एनालिसिस, यानी जहां पे मेरा सिस्टम फेल हो रहा है वहां उस फेलियर इफेक्ट, फेलियर का जो प्रभाव है उसका एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस को करते हैं। जो फेलियर का इफेक्ट है, फेलियर का जो भी प्रभाव है उसका एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। एंड कंप्यूट द सिस्टम रिलायबिलिटी इंडिसेज, और सिस्टम रिलायबिलिटी इंडिसेज को कंप्यूट करते हैं। एंड कंप्यूट द सिस्टम रिलायबिलिटी इंडिसेज। Now last step is that analyze and evaluates the result, यानी पूरी चीज को एनालाइज करते हैं, पूरा का एनालाइजेशन होता है, एंड इवोल्यूट द रिजल्ट, और रिजल्ट को इवोल्यूट करते हैं। दिस इज द सिक्स स्टेप फॉर रिलायबिलिटी इवोल्यूशन विच आर यूज फॉर रिलायबिलिटी स्टडीज। नाउ द नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑपरेशन प्लानिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सिस्टम ऑपरेशन प्लानिंग। सिस्टम ऑपरेशन प्लानिंग
System Operation Planning. In this, the operations are System Operation Planning में operations क्या होंगे? Operations are Operation Planning covers operational planning covers the whole period covers the whole period ranging from the implementation stage of system development plans to the point when system operation engineers at area, state, regional, and national load dispatch deal with the dispatch of power. This is the first point. Now the next topic is that system operation planning mein सबसे पहले ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑपरेशनल प्लानिंग कवर्स द होल पीरियड. ऑपरेशनल प्लानिंग पूरे पीरियड को कवर करती है, जनरेशन से लेके एंड यूजर तक जो सप्लाई जा रही है उस पूरे पीरियड को कवर करती है. ऑपरेशनल प्लानिंग कवर्स द होल पीरियड रेंजिंग फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन स्टेज से शुरू होता है. सिस्टम डेवलपमेंट प्लान्स टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक व्हेन सिस्टम ऑपरेशन इंजीनियर्स एट एरिया स्टेट रीजनल एंड नेशनल लोड डिस्पैच, जहां पे जिस सिस्टम ऑपरेशन इंजीनियर से एरिया का सिस्टम ऑपरेशन इंजीनियर या स्टेट का या रीजनल और नेशनल लोड डिस्पैच डील विद द डिस्पैच ऑफ पावर, पावर की डिस्पैच के साथ डील करते हैं. ऑपरेशनल प्लानिंग कवर्स द होल पीरियड. ऑपरेशन प्लानिंग होल पीरियड को कवर करती है रेंजिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्लान, जिसकी जो रेंज होती है वो सिस्टम डेवलपमेंट प्लान की इंप्लीमेंटेशन स्टेज से शुरू होती है टू द पॉइंट और उस पॉइंट तक चलती है व्हेन सिस्टम ऑपरेशन इंजीनियर्स एट एरिया स्टेट रीजनल एंड नेशनल लोड डिस्पैच डील विद द डिस्पैच ऑफ पावर, जब सिस्टम ऑपरेशन इंजीनियर्स एरिया पर स्टेट पर और रीजनल नेशनल लोड डिस्पैच पावर की डिस्पैच के साथ डील करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द Next is the diagram of system operation planning. This is the diagram. For system operational planning. This is the time 60 seconds.
60. This is the time 1 hours. 1 hours. And this is the 24. 24 means one day. 24 hours means one day. And this is the 1 month. 30 days. 1 month. 1 month. Yeah, 30 days. And next is the 12 month means annual. 12 month. 12 month. And next is the, this is called 1 year. 1 year. 12 month, yeah, 1 year. Next is the, this is the 10. 1 year to 10. To 10. This is the 1 year to 10. Now the, this is the time frame and this is the generation dispatch. This is called generation dispatch. Generation dispatch. Generation dispatch. And this is the switching. This is the switching. This is switching of equipment. Switching. And next is the generating scheduling. Generating scheduling. Next is the generating scheduling. This is the generating scheduling. Generating scheduling. This is the generating scheduling. And short term maintenance is here. Short term maintenance. 30 days. This is the short term maintenance. Short term maintenance. Maintenance. Short term maintenance. And this is called maintenance planning. This is the maintenance planning. This is called maintenance planning, which is 12 month. Maintenance planning means 1 year. Maintenance planning. Maintenance planning. And this is the plant scrapping and renovation. Plant scrapping and renovation. Plant scrapping and renovation. This is the plant scrapping and renovation. Plant scrapping and renovation. This is the plant scrapping and renovation. And last is the system reinforcement. This is the system reinforcement. This is called system reinforcement. This is called system reinforcement. Reinforcement. This is the real-time operation control. Here is the real-time operation control. Real-time operation control. Real-time operation control. Real-time operation control. And next is the extended real-time. This time is extended real time. Extended real time. And third is the operational planning.
Hull is the operational planning, which is 12 month operational planning. This is period is operational period या operational planning period, operational planning. Operational planning and this is called the system planning. After the 12 month, this is called system planning. This is called system planning. System planning. This is called system planning. Here the showing the lead time for operational planning. Figure showing the lead time for operational planning. For operational planning. Lead time showing the operational planning. Here the figure of system operation planning. First is the, this is called the time frame. This is the second, yani ki second start setting 1 hours and 24 hours means 1 day, 30 days means 1 month and 12 month means 1 year. Or this is extended 1 year to 10 years. Now the at first generation dispatch. यहाँ पे हम जो जनरेटिंग यूनिट है उसको डिस्पैच कराते हैं. देन द स्विचिंग ऑफ जनरेटिंग यूनिट टेक्स प्लेस. दिस फर्स्ट स्टेप जो टाइम है वो 60 सेकंड से अबव है, इस पे हम जनरेटिंग यूनिट को डिस्पैच कराते हैं. देन द स्विचिंग टाइम स्टार्ट फ्रॉम 60 सेकंड से अबव टाइम के लिए, यानी कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम के बाद में हम क्या कराते हैं, स्विचिंग कराते हैं. और इसका 1 मिनट से टाइम पीरियड रहता है 1 आवर से कुछ ज्यादा, ठीक है. उस टाइम पे हम जनरेटिंग जो हमारा स्विचिंग है जो इक्विपमेंट की वो स्विचिंग कराते हैं. देन इट इज कॉल्ड द जनरेटिंग शेड्यूलिंग. जनरेटिंग यूनिट का शेड्यूल तय करते हैं और इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है एक जो मिनट से लेके कुछ एक 24 आवर्स तक रहता है, मीन्स 1 डे. देन द जनरेटिंग शेड्यूलिंग द टाइम इज 1 डे अबव. टाइम मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 1 डे. नेक्स्ट इज द This is the plant scrapping and renovation period. यानी कि यहाँ पे जो 12 मंथ के बाद में, this is the short term maintenance. Short term maintenance means यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको एक दिन से लेके 30 days का जो period है वो क्या कहलाएगा, short term maintenance period. And the this is the maintenance planning. जो maintenance planning होती है वो होती है एक जो maintenance जो एक day से लेके 30 day के लिए, 1 day से लेके 30 days के लिए, यानी एक दिन से एक मंथ तक के लिए जो वो है वो शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस है. इसके बाद में एक मंथ से 12 मंथ तक कौन सी प्लानिंग होती है, मेंटेनेंस प्लानिंग. एंड द रियल टाइम, हियर द रियल टाइम ऑपरेशन कंट्रोल टेक्निक इज यूज्ड 1 मिनट टू 60 सेकंड, यानी 1 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा या 60 सेकंड तक हम रियल टाइम ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. इस टाइम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और टाइम एक्सटेंड हो सकता है एक दिन तक, एक दिन से कुछ ज्यादा के लिए टाइम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल टाइम. एंड हियर इज द ऑपरेशनल प्लानिंग. हियर द ऑपरेशनल प्लानिंग विच स्टार्ट्स अबव द 1 डे या 1 डे या अबव द 1 डे, एंड इट इज 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ हो सकता है. तो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन प्लानिंग. एंड द सिस्टम प्लानिंग इज 1 ईयर्स टू 10 ईयर्स. Then it is called 1 years to more than 2, 3, 4, 2 or 3 years. This is called the system planning. This is called plant scrapping and renovation. जब after the 12 months, यानी 12 month, यानी 1 साल के बाद जब plant में depreciation हो जाता है, तो जब plant में कुछ machinery depreciate हो जाती है, यानी कि उन wear and tear, corrosion की problems के कारण, जब machinery में depreciation होता है, तो प्लांट की जो स्क्रैपिंग है, प्लांट स्क्रैपिंग एंड रेनोवेशन. तो प्लांट का हम क्या कराते हैं, नवीनीकरण कराते हैं, रेनोवेशन कराते हैं, यानी प्लांट को हम नवीन बनाते हैं, नवीनीकरण करते हैं, उसका नया बनाते हैं उसको. दिस पीरियड इज रिप्रेजेंट द सिस्टम रेनफोर्समेंट. यानी सिस्टम रेनफोर्समेंट का मतलब है सिस्टम प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, यानी अच्छी तरीके से उसको सुदृढ़ीकरण करना, सिस्टम रेनफोर्समेंट. दिस इज द फिगर विच शोइंग द लीड टाइम फॉर ऑपरेशनल प्लानिंग. जनरेशन डिस्पैच, देन द स्विचिंग ऑफ जनरेटिंग यूनिट एंड जनरेटिंग शेड्यूलिंग, यानी जनरेटिंग यूनिट का शेड्यूल तय करना. दिस पीरियड इज शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस
and this period is called the maintenance planning. Here the frame of time period is 1 second, 1 minute, 1 hour, इसके बाद में 1 दिन, 30 days, फिर 12 month, ये means 1 year. This is the time frame. Real time operation control, this time the real time operation control, this time is extended, this is called extended real time control and it is called operational planning. And the time frame of operational planning is there. This is the operational planning time frame and the system planning. This show the lead time for operational planning. Now the next point in operational planning is that. It is the matching of generation output. Output with aggregated consumer demand. With aggregated consumer demand subject to requirements of economy and security. It covers the maintenance of generation, transmission and distribution facility. This is the next point in system operational planning. It is the matching of generation output with aggregated consumer demand. यानी aggregated consumer demand के साथ यह generation output को match करने के लिए उपयोग में आता है. Subject to requirements of economy and security. जिसमें economy की requirement और security main subject होते हैं. It covers the maintenance of generation, transmission and distribution facilities. यह generation, transmission और distribution facilities के maintenance को cover करता है. Now the next point in operation system operation planning is that certain operational problems have to be considered at the long term planning. For example, the Indian power regional grids are small in capacity and size.
and thus there is a limitation and thus there is a limitation there is a limitation there is limitations on installation of large size generating units on installation of large size generating units of large size generating units of large size generating units units in the grid. This is the next point in system operation planning. Certain operational problems have to be considered at the long-term planning. Long-term planning में हम कुछ निश्चित operation problems को consider करते हैं. Certain operational problems have to be considered at the long-term planning. Long-term planning पर हम कुछ निश्चित operational problems को consider करते हैं. For example के लिए Indian power regional grids are small in capacity and size. Indian power regional grids कैपेसिटी और साइज में कम होते हैं, यानी कि इंडियन पावर रीजनल ग्रिड्स की कैपेसिटी भी कम होती है और साइज भी कम होती है. एंड थस और इस प्रकार देयर इज लिमिटेशंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ लार्ज साइज जनरेटिंग यूनिट्स इन द ग्रिड. इसके लिए जो इंस्टॉलेशन जो लार्ज साइज जनरेटिंग यूनिट के इंस्टॉलेशन के लिए कुछ ग्रिड में लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि सीमाएं होती है. नाउ इज द नेक्स्ट पॉइंट इन सिस्टम ऑपरेशन प्लानिंग and thus there is limitations on installation of large size generating unit in the grid. यानी grid में large size generating unit का installation करने के लिए यहाँ पे limitations होती है, सीमाएं होती है. Now the next point in the system operation planning is that, and this is the last point, operational planners plan to minimize operating costs within constraints while ensuring an acceptable level of system reliability. Various decisions are required at appropriate times related to operating policies, operating procedures, maintenance planning, fueling and transaction planning etc.
etc. This is the last point in system operation planning. Operation planners plan to minimize operating cost within constraints. Operational planners हैं जो operation plan करते हैं वो क्या करते हैं minimum constraints के साथ operating cost को minimize करने का plan बनाते हैं. Operational planners plan to minimize operating cost within constraints. यानी constraints के साथ operational planners operating cost को minimize करने का plan बनाते हैं while ensuring एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिस्टम रिलायबिलिटी. लेकिन वहां पे ये एंश्योर करते हैं कि सिस्टम की रिलायबिलिटी का एक एक्सेप्टेबल लेवल हो. वेरियस डिसीजंस आर रिक्वायर्ड एट अप्रोप्राइट टाइम्स. यानी कि सही समय पर बहुत से डिसीजंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग पॉलिसी, जो ऑपरेटिंग पॉलिसी से संबंधित होते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर से संबंधित होते हैं, मेंटेनेंस प्लानिंग से संबंधित होते हैं, फ्यूलिंग से संबंधित होते हैं एंड द ट्रांजेक्शन प्लानिंग ईटीसी. वाइल एंश्योरिंग एंड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिस्टम रिलायबिलिटी, यहाँ पे हम एंश्योर करते हैं कि सिस्टम की रिलायबिलिटी का एक एक्सेप्टेबल लेवल एंश्योर करते हैं. वेरियस डिसीजंस आर रिक्वायर्ड एट अप्रोप्राइट टाइम्स, एंड कि सही समय पर बहुत से डिसीजंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, सच है विच इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग पॉलिसी, जो ऑपरेटिंग पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं, मेंटेनेंस प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं, फ्यूलिंग से रिलेटेड होते हैं एंड ट्रांजेक्शन प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं ईटीसी. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू.